हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका फिर से एक बार C++ के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे एक छोटे से और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, हाउ टू कमेंट द कोड इन C++। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन कई बार यूज होता है। कमेंटिंग क्या होती है अपन ये बात करते हैं। तो देखिए, आप सपोज करिए यदि मैं यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम लिखता हूँ, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ comment.cpp, ठीक है, टेस्ट कमेंट .cpp, ताकि प्रोग्राम के नाम से समझ में आ जाए कि कोड हमने क्यों लिखा है, राइट। अब आप देखिए, जनरली हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड एंड देन iostream.h, जो हमने देखा था, और यू कैन से दैट iostream, ठीक है। और यहां मैंने लिखा int main, दिस इज int main, और सिंपल हमने कोड लिख दिया, ठीक। लेकिन क्या होता है जब आप कोई कोड लिख रहे हैं, तो आप देखिए, मान लो अगर आपके प्रोग्राम में आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं कोई भी एक कोड ले लेता हूं, यहां पे सपोज ये कोड हमने लिखा है, ये है सपोज, राइट। अब ये लाइन ऑफ कोड अगर आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है, और यदि आप चाहते हैं कि ये जो कोड है इसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर कोड को भी रन नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू राइट अ पर्टिकुलर कोड, ठीक, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ठीक है। तो यदि मुझे किसी पर्टिकुलर कोड को रन नहीं करना है, जैसे मैंने बोला कि सर इसके अलावा मैंने यहां पर लिखा हुआ सी आउट सपोज हेलो फ्रेंड, ठीक है, तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप अपने प्रोग्राम में जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो सारा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन में आएगा, राइट। कि अगर मैंने ये कोड लिखा है तो द प्रोग्राम कंपाइलर विल ऑलवेज एग्जीक्यूट दिस कोड टिल एंड। तो आप देखिए, जब मैं इसको रन करूंगा आफ्टर सेव, इफ आई रन दिस, तो इसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया, ठीक है, सेकंड नंबर दिया, उसने एडिशन प्रिंट किया और हेलो फ्रेंड कंटिन्यूअसली प्रिंट किया हुआ है, राइट। तो यहां पर अगर हम ये चाहते हैं कि यदि मुझे प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को प्रोग्राम में रहने देना है, बट आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, मुझे इस कोड को एग्जीक्यूशन में लेके नहीं आना है, क्योंकि वो लेटर ऑन मेरी रिक्वायरमेंट है, पर मैं उसको प्रोग्राम से हटाना नहीं चाहता हूं। जैसे आप देखिए, बजाय इसके मैं आपको ये बताता हूं कि ये प्रोग्राम है एडिशन का, सेम प्रोग्राम, मान लो मैंने लिख दिया सी इक्वल टू ए माइनस बी, This is for subtraction of two number, है ना? ये subtraction का प्रोग्राम है, जहाँ पर हमने लिख दिया slash n और subtraction, then हमने लिख दिया c equal to a into b, ये multiplication मैंने कर दिया, मतलब concept आप समझते जाना, ये मैंने multiplication कर दिया, ये how to multiply two number, ठीक है? अब अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ, तो प्रोग्राम मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन तीनों के रिजल्ट शो करेगा, है ना? क्योंकि हमने ऑब्वियसली बात है पूरा प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है। तो आप देखिए, जब मैं इसको रन करता हूं और अगर मैंने दो नंबर दिए सपोज 60 और 10, सो आई विल गेट एडिशन इज 70, सब्ट्रैक्शन इज 50, मल्टीप्लिकेशन इज 600, ठीक है। रीजन इज दैट कि यदि आपने अपने प्रोग्राम में कोड लिखा है तो वो तो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी केवल एडिशन देखना है, डोंट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, ये मेरी बात की रिक्वायरमेंट, तो आप उसको डिलीट मत करिए, आप उसको कमेंट कर दीजिए। तो कमेंट कैसे करते हैं, तो यहां पर आपके पास दो चॉइस हैं। C++ में हम यूज करते हैं या तो सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट मतलब जस्ट यूज डबल स्लैश। तो यदि आपने डबल स्लैश को यूज कर लिया है, दैट मींस अब आपका प्रोग्राम इन कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और अगर मान लो मैंने वैल्यू दी 20 एंड 10, गेट एडिशन इज 30 ओनली, अब मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का। रीजन इज दैट मैंने इस कोड को क्या कर दिया है, कमेंट। तो ये था सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिए, अभी तो चलिए तीन लाइन है, लेकिन अगर मान लो लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, मान लो दिस इज द लाइन ऑफ कोड, ठीक है, मैं कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये लाइन ऑफ कोड है। अब इस लाइन ऑफ कोड को अगर आपको कमेंट करना है, सो अनदर ऑप्शन इज दैट अब यहां से स्लैश स्टार, ठीक, और जहां तक कमेंट करना है वहां पर जाके लिख दीजिए स्टार स्लैश। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट, एक को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें आपको एक एक लाइन को कमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्लॉक ऑफ लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, सो देयर इज अनदर कमेंटिंग ऑप्शन स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो यदि मैंने लिख दिया स्लैश स्टार स्टार स्लैश, दैट मींस नाउ दिस कंप्लीट कोड इज कमेंट, ये पूरा का पूरा कोड कमेंट हो चुका है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं, अब देखिए अभी भी मुझे I don't require even this code, ठीक है,
उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मतलब हमने C इक्वल टू ए माइनस बी लिखा है, बट आई डोंट रिक्वायर दिस कोड, जस्ट सेव दिस एंड रन दिस। मल्टीप्लीकेशन बहुत माइनूट सी मिस्टेक है, आई जस्ट चेक इट, अगर ये कोड कमेंट है देयर इज नो प्रॉब्लम। 60 एंड 20 एक्चुअली सेव नहीं था प्रोग्राम, कुछ चेंजेस हमने किए थे ना, आई डोंट सेव दिस, तो दैट्स व्हाई द इशू। ओके, तो एडिशन इज 80, मतलब मुझे केवल आउटपुट कहां तक मिल रहा है, एडिशन का। आई डोंट गेट दिस आउटपुट बिकॉज आई कमेंटेड दिस कोड। तो ये सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दोनों में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट करना है देन यू विल गो फॉर मल्टी लाइन कमेंट, और जब एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है देन यू विल गो फॉर सिंगल लाइन कमेंट। अरे सिंपल सी चीजें हैं यार, समझो आप, और ये बहुत यूजेबल कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है जब हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो काफी बड़ा प्रोग्राम है, अब अगर आपको लगता है कि उसमें से किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को अभी आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं ठीक है, तो आप सबसे टॉप पे कमेंट डाल दीजिए कि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए हम बना रहे हैं। जैसे ये प्रोग्राम है सपोज एडिशन का, ठीक है, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया प्रोग्राम फॉर एडिशन, तो ये तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन पार्ट में आ जाएगा ना, तो एरर आ जाएगी। मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, सो जस्ट कमेंट दिस कोड, इस कोड को आप कमेंट कर दीजिए। सो व्हेन आई कमेंट दिस, तो कंपाइलर विल नॉट एग्जीक्यूट दिस कोड। जो भी कोड कमेंटेड कोड होता है कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, राइट। अब यहां पर VS कोड में हमारे पास एक शॉर्टकट भी है यदि आपको कोड कमेंट करना है, राइट। अगर आपको मल्टी लाइन कोड कमेंट करना है तो आप पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एंड देन प्रेस कंट्रोल स्लैश, स्लैश मतलब जो शिफ्ट बटन के पास में है कीबोर्ड में, कंट्रोल स्लैश, राइट, फ्रंट स्लैश, तो ये पूरा का पूरा कोड कमेंट हो जाएगा। और अगर आपको इसको अनकमेंट करना है तो अगेन सिलेक्ट दिस, इसको पूरा सिलेक्ट करिए, ठीक है, एंड देन कंट्रोल स्लैश अगेन, तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो ये VS कोड का शॉर्टकट की है, चाहे वो आपको HTML में कमेंटिंग करना हो, पाइथन में कमेंटिंग करना हो, C में, C++ में, क्योंकि मैंने आपको बोला था VS कोड इज अ कॉमन एडिटर फॉर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। तो किस तरीके से आपको कोड कमेंट करना है, सिंपल है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया है कि क्या होता है कमेंटिंग इन C++, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और बने रहिए इस कोर्स में ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।